हज़रत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है, मेरे वालिद मोहतरम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, मैं तुमको ऐसा दुआ ना सिखाऊं जो मुझको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को सिखाते थे। अगर तुझ पर उहुद पहाड़ के बराबर सोना कर्ज हो तो भी अल्लाह ताला इसके पढ़ने से अदा करवा देंगे। ऐसा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है, हाँ बताइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, तो यह दवा यूँ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा फारिज़ल हम्मे कासफल गर्म में मुज़ीबा दावतिल मुस्तर्रीन रहमान दुनिया वल आखिरते रहिमहुमा अंता तुरहमनी फरहमनी रहमतन तुगनिनी बिया मन सिवा। ये दुआ यह है, अगर कोई शख्स इसको डेली पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसका कर्ज अदा करवा देंगे। आज का मुसलमान अपनी परेशानी, अपनी समस्या, अपनी मुसीबत ऐसे ऐसे जगहों पर जाकर दूर करवाना चाहता है जिसको वीडियो में बयान करना बहुत अच्छा नहीं लगता हमको। आज का फेमस इंडिया का हो गया है क्या उसका नाम नहीं आ रहा है, उसका बहराइच फेमस हो गया है। कहते हैं लोग उसको कि बहनी बाबू आप उधर जाओ, कोई भी परेशानी आपके घर का है या कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, अगर उस वहाँ जाओ तो आप जो कहेंगे उसको मानो और एक थोड़ा सा गढ़ा होता है उसमें डुबकी लगाओ, आपकी हर परेशानी हर बीमारी दूर हो जाएगी। आप वहाँ बीमारी लेकर जाओ, वहाँ से आप ठीक होकर आओगे। और बहनी बाबू ये रुपया नहीं लागत बाबा, ऐसे ऐसे लोग। आज का मुसलमान हाथ में धागा बांधता है इधर और कहता है, मैं इसलिए इसको इसे हाथ में धागा बांधा हूँ कि ये मेरी हिफाजत करेगा। सोचो जिस कौम के सोच यहाँ इस धागे पे आकर रुक सकती है, यहाँ सिर्फ यहाँ तक मौजूद रह सकती है, उस कौम को बचाएगा कौन? सिर्फ अल्लाह ताला उसको बचा सकता है और दुनिया का कोई इंसान उसे नहीं बचा सकता। अल्लाह ऐसी कौम को माफ़ करे। आज के मुसलमान को तौहीद क्या है, तौहीद किसे कहते हैं नहीं मालूम है, और ना तकवा परहेजगारी है मुसलमानों के पास, कुछ नहीं है। आज का मुसलमान घर बनवाता है, छड़ सीमेंट वगैरह जो सामग्री लगती है उसे कहते हैं मेरा घर बन गया, लेकिन एक चीज़ मिसिंग है। घर तो आपको बना दिए लेकिन घर में एक चीज़ मिसिंग है, वो है तकवा। जिस घर में तकवा नहीं रहेगा तो शैतान आएगा, शैतान तो आपके घर में अंदर आएगा ही। तब मुसीबतों परेशानियां जब आप शैतान की वजह से होगी, तब मुसलमान इस बाबे के पाछे पीछे, कभी इस बाबे के पास, कभी उस बाबे के पास, कहीं इधर छा इधर छू इधर छे करवाते हैं, शिर्क करते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, अगर इस देश का प्रधानमंत्री जो है कौन है नहीं मालूम, अगर है उसका कोई दोस्त बन जाए तो उस आदमी को किसी चीज़ के लिए टेंशन होगी कि आप कोई आदमी उसका कुछ बिगाड़ सकता है, कुछ बिगाड़ सकता है उसका, और जो प्रधानमंत्री का दोस्त है उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है नहीं बिगाड़ सकता। अब सोचो ये पूरी दुनिया का जो चलाने वाला है अगर उसका कोई दोस्त बन जाए तो क्या उनसे कोई भी इंसान, पुलिस हो, हवलदार हो, प्रधानमंत्री हो, कुछ भी हो, उसका कोई बिगाड़ सकता? उसको किसी चीज़ की टेंशन रहनी चाहिए, रह सकती है? किसी चीज़ का खौफ होगा उसको? नहीं होगा। जो पूरी दुनिया चलाता है उसका दोस्त अगर कोई बन जाए, कोई इंसान बन जाए, अल्लाह ताला चलाता है पूरी दुनिया, अल्लाह का दोस्त कोई बन जाए, उसको किसी चीज़ की टेंशन होगी? जिएगा भी तो शान से जिएगा, मरेगा भी शान से मरेगा। जिएगा दुनिया में तो है अच्छे से रहेगा, आराम से रहेगा, कोई मुसीबत आएगी तो कौन दे? उसका दोस्त ही तो दे रहा है, अल्लाह तो ही दे रहा है ना। मरने के बाद जन्नत तो मिलेगी ना उसको, किस चीज़ की खौफ होगी? आज के मुसलमान प्रधानमंत्री दोस्त बनाना चाहते हैं, मेयर को दोस्त बनाना चाहते हैं, वार्ड अध्यक्ष को दोस्त बनाना चाहते हैं, यहाँ तक कि सदस्य को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहते। अल्लाह से मांगने वाला कोई नहीं है, इन नाजायज इन मतलब क्या कहें, उनसे मांगने वाला बहुत है, भीड़ लगी हुई है, 50 रुपये देकर अपनी मुरादें पूरा करवाते हैं।
अपनी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, अपनी मुसीबतों को दूर करवाना चाहते हैं 50 रुपये दे। वहाँ भीड़ से लाइन लगी हुई है लेकिन अल्लाह से मांगने वाला कोई नहीं। हम ऐसे मुसलमान हैं जिसे देख के शर्माए यहूद। मुसलमान सोचने का मुकाम है। आज इतने टाइम हमारी औकात इस देश में नहीं देखो, इंडिया में, नेपाल में नहीं देखो, जहाँ मुसलमान की तादाद जहाँ ज़्यादा है वहाँ भी मुसलमान की हैसियत कुत्ते जैसी है। कुत्ता आता है दूर दूर करके लोग भगा देते हैं, मुसलमान ऐसे हो गए। अच्छा, हम भी तो नमाज़ पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नमाज़ पढ़ते थे, वही काम करते थे ना। सहाबा भी वही काम, वही नमाज़ पढ़ते थे, वही कुरान मस्जिद था ना, हमारे पास भी वही है। तो हम क्यों मतलब इतने, मतलब क्या बताएं, इतने नीच, इतने बुजदिल इतने क्यों हुए? सहाबा छगड़ी चराते थे, मतलब बकरी चराते थे, अल्लाह ताला उसको उनको पूरी दुनिया दे दिया था। हम हेड कर से डॉक्टरी चलाते हैं, इंजीनियर हैं या कुछ भी हैं, हमें अल्लाह ताला इस देश का, इस गांव का मुखिया क्यों नहीं बनाता, सदस्य क्यों नहीं बनाता, मेयर क्यों नहीं बनाता? कुछ तो है ना, कुछ कहीं तो छेद है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। कुरान वही है, नमाज वही है, फिर भी हम इतने बदनाम क्यों हैं? चाहे जहाँ देखो, किसी गैर मुस्लिम के दिमाग में कसम खुदा कि मेरे समझ से जहाँ तक मेरे को लगता है, उसको मुसलमान के प्रति सोच नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव नहीं रख सकता, जहाँ तक मेरे ख्याल है। क्यों? क्योंकि हम में कमी है, हम सही नहीं हैं। अस्सलामु अलैकुम। ज़्यादा ना कुछ कहते हुए।